हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हरजोत एंड यू आर वाचिंग वर्दी विट्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका कंप्यूटर काफ़ी स्लो चलता है और ये प्रॉब्लम काफ़ी आम हो चुकी है, क्योंकि जब भी हम कोई ऐप ओपन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है या उसको अच्छी परफॉर्मेंस ऐप को नहीं मिल पाती, जिससे हम काफ़ी इरीटेट हो जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद आप भी अपने सिस्टम को रॉकेट की तरह बना सकते हैं। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, आप सच में अपने सिस्टम को रॉकेट की तरह तेज स्पीड अप कर सकते हैं और वो भी काफ़ी आसान स्टेप्स के अंदर। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले आपको विंडो और आर एक टी प्रेस करनी है और यहाँ पर आपको लिखना है TEMP टेम्प, एंटर करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बहुत सारी ऐसी फाइल्स मिलेंगी जो एक जंक फाइल्स हैं, आपको इसे टाइम टू टाइम डिलीट करना ज़रूरी होता है, तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आप इसे डिलीट कर देंगे आपके सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स दोबारा से आपको जाना है विंडो और आर के अंदर और यहाँ पर आपको लिखना है प्री फेच और इसके ओके करने के बाद यहाँ पर भी कुछ जंक फाइल्स आ जाती हैं, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दें यहाँ पर इसे। जो डिलीट हो जाएंगी इसको डिलीट कर दें और जो नहीं हो रही इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइल्स ऑलरेडी यूज़ होती हैं डिलीट नहीं होती। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से विंडो आर में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटेज TEMP और परसेंटेज, अगल बगल में परसेंटेज लगा देना है और इसके बाद करना है ओके। करने के बाद फ्रेंड्स दोबारा से यहाँ पे जंक फाइल्स आपके सिस्टम में बची हुई मिलेंगी आपको, तो आपको इसको भी डिलीट कर देना है। जो डिलीट हो जाएंगी ठीक है, दोबारा से यहाँ इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये तीन मेथड, ये क्लीनिंग मेथड होते हैं, आपको टाइम टू टाइम जंक फाइल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ करने होते हैं, इससे आपका सिस्टम फास्ट हो जाता है। और उसके बाद सेकंड मेथड है फ्रेंड्स, आपको जाना है टास्क बार के अंदर, यहाँ ये आपकी टास्क बार है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टास्क मैनेजर में जाएंगे और इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर टॉप पर फोर्थ ऑप्शन दिख रही है आपको स्टार्टअप में जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स इस टाइम आपको मेरी सिस्टम के अंदर कोई भी ऐप यहाँ पर नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में जाके देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐप्स होंगी जो अपने आप ही ऑटोमेटिकली चलती हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है कि जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो ये ऐप्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चल पड़ती हैं बैकग्राउंड में और आपकी रैम को कंज्यूम करती रहती हैं। तो आप इसे एक एक ऐप को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिसेबल करते रहेंगे, उससे क्या होगा ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होंगी, जब आप उन्हें ओपन करेंगे तभी वो ओपन होंगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद थर्ड मेथड है, आपको जाना है माई कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पे आपको किसी भी ड्राइव के ऊपर करना है राइट क्लिक और यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको जाना है टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ऑप्टिमाइज़ में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी ड्राइव शो कर जाती हैं, आपको एक एक ड्राइव को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना है। पहले फर्स्ट ड्राइव को सिलेक्ट कर लें ऑप्टिमाइज़, तो फर्स्ट ड्राइव मेरी ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है। इसी तरह से मुझे सेकेंड ड्राइव को भी ऑप्टिमाइज़ करना है, तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि डीफ्रेगमेंटेशन आपको करनी ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड है, आपको अपने सिस्टम का सारा ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल करना है। ब्लोटवेयर वो होता है जैसे आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो इनबिल्ट ऐप्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं, ऐसी ऐप्स जो आपके काम की बिल्कुल नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे इनबिल्ट ऐप है, आपको मान लो ये नहीं चाहिए तो आप उसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगी, यहीं से हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस मेन्यू के अंदर भी काफ़ी जो ऐप्स हैं उसे जो आपके काम की नहीं है आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर और यहाँ पे अनइंस्टॉल में जाने के बाद आप यहाँ पे भी फाइंड करेंगे कि कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और बहुत कम यूज़ करते हैं, तो आप उन ऐप्स को भी यहाँ से अनइंस्टॉल कर दें ताकि वो भी आपकी अनवांटेड रैम कंज्यूम ना करें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मेथड के अंदर आपको ये फाइंड करना है कि आपकी जो विंडोज़ है वो जेन्युइन है या पायरेटेड है। वैसे तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जेन्युइन विंडोज़ का ही इस्तेमाल करें। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD, इसको आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है, यस करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है SLMGR /, और यहाँ पर टाइप करेंगे XPR, एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा। अगर तो यहाँ पे लिखा आ रहा है द मशीन इज़ परमानेंटली एक्टिवेटेड, तो इसका मतलब है कि आपकी विंडो जेन्युइन है। कोई इस तरह से कोई मैसेज आपको ओपन हो रहा है तो इसका मतलब, अगर यहाँ पे कोई डेट आ रही है तो इसका मतलब आपकी मशीन पायरेटेड है, तो आपको उसकी अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अगर तो आप पायरेटेड विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको थर्ड पार्टी एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विंडो डिफेंडर जो हमारा इनबिल्ट एंटीवायरस होता है फिर ये काम नहीं करता। ये काम तभी करता है अगर आपकी विंडो जेन्युइन है। तो ये टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आपको जाना है अपडेट्स के अंदर। ये मेथड तभी काम करेगा अगर आपकी विंडो जेन्युइन है।
अगर आपकी विंडो जेन्युइन नहीं है तो आप इस मेथड को यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप पायरेटेड विंडो को अपडेट करेंगे तो आपका सिस्टम और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो आप इसे टाइम टू टाइम चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं, और जितने भी आपको अपडेट्स मिलते हैं आप उसे इंस्टॉल कर लें, और जिससे क्या होगा आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और साथ के साथ आपको आपका डिफेंडर जो एंटीवायरस आपका काम करता है वो भी आपका टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नॉन जेन्युइन विंडोज़ की, जिनकी पायरेटेड विंडोज़ है उनको क्या करना है। उनको फ्रेंड्स थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, और जो एंटीवायरस उनको इंस्टॉल करना है वो फ्री वाला बिल्कुल नहीं यूज़ करना, उनको पेड वाला एंटीवायरस यूज़ करना है जिसे वो बाय करते हैं, जिसे हम बाय करके यूज़ करते हैं। कोई कंपनी का आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एंटीवायरस की, लेकिन आप पेड वाला यूज़ करें, प्रीमियम वाला यूज़ करें, फ्री वाला बिल्कुल मत यूज़ करें। जो फ्री वाला एंटीवायरस होता है वो वायरस के ही बराबर होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक दो मिसलेनियस मेथड्स हैं, जैसे कि आप पर्सनलाइज में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। कलर्स में आप जाते हैं तो कलर्स में आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स की एक ऑप्शन मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी रैम कुछ ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ऑटोमेटिकली रैम आपके सिस्टम से निकल के आपकी ऐप्स को मिलती रहेगी और यहाँ से आपका सिस्टम भी स्पीड अप हो जाएगा। तो ऐसे इफेक्ट्स आपको डिसेबल कर देने हैं, या कोई ऐसी एनिमेशंस लगी हुई हैं इसके अंदर, इस थीम के अंदर, आप उसे भी डिसेबल कर सकते हैं जिससे आपका सिस्टम स्पीड अप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी स्टेप के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं इसी तरह के एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।